तो दोस्तों मेरे से कई बार भाई लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि हम ट्रेंडिंग टॉपिक कहाँ से फाइंड करें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको एक ऐसा मैं जबरदस्त तरीका बताने वाला हूँ जहां से आप डेली बेसिस पे काफी अच्छे अच्छे कमाल के ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढ सकते हो और उन पर अगर वीडियोज में आप बनाओगे तो फ्रेंड्स काफी अच्छे व्यूज भी आएंगे, वीडियोज आपकी वायरल भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लेना, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं बात करने वाला हूं गूगल ट्रेंड की, क्योंकि भाई हम लोग गूगल और यूट्यूब के लिए वर्क करते हैं तो क्यों ना हम इन्हीं प्लेटफॉर्म से ट्रेंडिंग टॉपिक फाइंड करके और उन्हीं पर वीडियोस बनाई जाए। तो चलिए यहां पर मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाता हूं और मैं बताऊंगा कि गूगल ट्रेंड से आप कैसे जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढकर और उन पर आप वीडियोस बना सकते हो। दोस्तों सबसे पहले यहां पर मैंने गूगल ओपन किया, गूगल में गूगल ट्रेंड्स को सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद यहां पर कुछ इस तरीके के रिजल्ट देखने को मिल रहा है। यहां पर दो वेबसाइट देखने को मिल रही है, तो सेकंड नंबर की जो ऑफिशियली गूगल ट्रेंड्स की वेबसाइट है उस पर अपन क्लिक कर लेते हैं। जैसे यहां पर अपन क्लिक करते हैं तो यहां पर गूगल ट्रेंड्स की जो वेबसाइट है ऑफिशियली वो सारी यहां पर अपने सामने ओपन हो जाएगी और यहां पर मैं आपको पूरी चीजें डिटेल वाइज तो यहां पर बताने वाला हूं। तो यहां पर सबसे पहले यहां पर जाते हैं लेफ्ट में, यहां पर थ्री लाइंस आपको देखने को मिल रही है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे यहां पर आप क्लिक करते हो तो थर्ड नंबर का ऑप्शन आता है ट्रेंडिंग सर्चेज, इस पर अपन को क्लिक कर लेना है। तो जैसे यहां पर अपन सर्च ट्रेंडिंग सर्चेज पर क्लिक करते हैं तो यहां पर जो भी चीजें ट्रेंडिंग में चल रही है, ज्यादा सर्चेज में जा रही है, उनके बारे में यहां पर अपन को बता देगा। तो यहां पर देख सकते हो 8 जनवरी आज का जो कि कागज मूवीज के रिव्यू वगैरह है जो कि 10K+ यहाँ पर इसके सर्चेज जा रहे हैं। और कल की डेट में आप देखोगे तो इलोन मस्क जो कि रिचेस्ट पर्सन माने जा रहे हैं उनको देख सकते हो, तो उनकी सर्चेज गई हैं 1 मिलियन+। और यहाँ पर KGF 2 मूवी है उसकी सर्चेज गई हैं 500K+, ट्रंप के ऊपर 500K+ है। तो ऐसे यहाँ पर आप अपनी चूज कर सकते हो कैटेगरी, जिससे रिलेटेड आपका चैनल है उसी कैटेगरी को आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। जैसे क्रिकेट का है तो क्रिकेट के बारे में भी है और यहाँ पर बात की जाए स्पोर्ट्स के बारे में भी है ही है और भी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं। यहाँ पर आपका जो भी मूवीज वगैरह से भी रिलेटेड चैनल है तो वो यहाँ पर आप न्यूज़ कवर कर सकते हो, पॉलिटिक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड नंबर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है रियल टाइम सर्चेज ट्रेंड्स, इस पर अपन क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपन क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 24 आवर्स में जो भी मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा सर्च की गई हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको बता रहा है। तो जैसे देख सकते हो लॉस एंजलिस के बारे में है, स्टीव स्मिथ के बारे में है जो कि यहाँ पर क्रिकेट के ऊपर है, मैंने बताया ना सब चीज़ों की नॉलेज यहाँ पर आपको मिल जाती है। यहाँ पर मूवीज वगैरह की देख सकते हो, यस KFG मूवी है उसी के ऊपर है, एलोन मस्क के ऊपर भी है कल के। और यहाँ पर ग्राफ है जो कि आप देख सकते हो पहले नीचे है फिर उसके बाद बढ़ता हुआ जा रहा है 24 आवर्स में, फिर नीचे है इसमें भी बढ़ता हुआ जा रहा है। KGF मूवी है इसका भी ग्राफ बढ़ता हुआ जा रहा है, फिर नीचे गया फिर बढ़ता हुआ जा रहा है, ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफ ऊपर नीचे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, और ये सर्चेज मतलब 24 आवर्स में बताया जा रहा है। कैटेगरीज यहाँ पर आप चूज कर सकते हो, जो भी कैटेगरी यहाँ पर आप चुनना चाहो। तो चलिए यहाँ पर अपन थ्री लाइन पे फिर से क्लिक करते हैं लेफ्ट में और यहाँ पर सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है एक्सप्लोर, इस पर अपन क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी चीजें हैं अपन को एक्सप्लोर करनी है उन्हीं के ऊपर यहाँ पर अपन जो कि चूज कर सकते हो कैटेगरीज। तो यहाँ पर अपन ऊपर ने अपने सामने सारी चीजें मतलब खुल के आ रही है फिर से। तो यहाँ पर अपन जो कि सर्च करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि अपना जो चैनल है वो कुछ डिजिटल मार्केटिंग से ही है। तो यहाँ पर मैंने डिजिटल लिखा, उसके बाद मार्केटिंग अपन लिख लेते हैं और यहाँ पर मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर लिया। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग अपन सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है ग्राफ में मतलब क्या जा रहा है इसका। और नीचे की साइड अगर और भी चीजें देखोगे तो यहाँ पर और भी जो चीजें हैं वो यहाँ पर बताई जा रही है, लेकिन सबसे पहले बात आ जाती है भाई वर्ल्ड वाइड नहीं रखना है, अपन को करना है इंडिया। तो यहाँ पर मैं INDIA लिख देता हूँ, जैसे ही लिखता हूँ इंडिया यहाँ पर आ चुका है, उसको अपन सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको पास्ट 12 मंथ के बारे में बता रहा है, लेकिन अपन को जाना है कुछ दिनों का, तो यहाँ पर अपन 7 डेज क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑल कैटेगरीज में से भी आप कैटेगरी चाहो तो चुन सकते हो, जो कि अपन को ऑल कैटेगरी रहने देना है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। वेब सर्च में अपन जाएंगे तो वहाँ पर अपन को यूट्यूब सर्च में क्लिक कर लेना है, क्योंकि भाई अपन यूट्यूब से रिलेटेड ही मतलब सर्च करते हैं, अपन का चैनल जो कि यूट्यूब से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पर अपन ने सर्च किया, सर्च करने के बाद नीचे साइड आप जाओ ग्राफ देख ही सकते हो ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ पर आपको जो कि स्टेट वाइज भी बता रहा है डिटेल, और नीचे आप जाओगे तो यहाँ पर रिलेटेड टॉपिक्स जो कि देख सकते हो TD कॉन्फ्रेंस और बहुत सारी चीजें जो कि यहाँ पर बता रहा है आपको, और रिलेटेड क्वेरीज आप देख सकते हो जो कि यहाँ पर क्या चीजें अभी ज्यादा सर्चेज में आ रही हैं, क्योंकि डिजिटल बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग है और डिजिटल मार्केट इंटरव्यू क्वेश्चन है, हाउ टू डिजिटल मार्केटिंग है। तो मतलब डिजिटल मार्केटिंग में ये चीजें लोग बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 25 टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, तो कुछ इस तरीके से। और डिजिटल मार्केटिंग जो कि कोर्स के ऊपर देख सकते हो 130%+ मतलब काफी ज्यादा लोग इसको सर्च कर रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये वर्क करता है, आपको लगभग पूरा मैंने डिटेल वाइज समझा दिया है, अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक जो कि मिल जाएंगे, आपको सिंपली क्या करना है थोड़ा दिमाग लगाना है और इन्हीं ट्रेंडिंग टॉपिक यानी कीवर्ड्स पर आपको वीडियोस बनानी है, और कीवर्ड ट्रेंडिंग होने की वजह से आपकी वीडियोस पे व्यूज ज्यादा आएंगे, वीडियो वायरल भी हो जाएंगी और इस तरीके से आप अपनी वीडियोस को वायरल भी कर सकते हो। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं यहां पर ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, अगर कुछ समझ नहीं आया आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड लोगों को शेयर जरूर कर देना फेसबुक व्हाट्सएप पर, अगर मेरे चैनल पर नए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब
करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स अभी तक आपने मुझे इंस्टा फॉलो नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मुझे इंस्टा फॉलो कर सकते हो। चलिए फ्रेंड मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक।